छत्तीसगढ़ में मराठा शासन सन 1741 में नागपुर के भोसले वंश के शासक रघुजी के सेनापति भास्कर पंत ने उड़ीसा विजय अभियान के समय रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। विदित हो कि 1758 तक मराठा प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह एवं मोहन सिंह रतनपुर की राजसत्ता संभालते रहे। 1758 से 1787 तक रतनपुर राज्य पर प्रत्यक्ष भोसला शासन संचालित रहा। रतनपुर राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे जिन्होंने परगना पद्धति लागू की थी। बिंबाजी के शासनकाल में राजनांदगांव एवं खुजी नामक दो नवीन जमींदारियों का निर्माण किया गया एवं कलचुरियों के समय से संचालित रतनपुर व रायपुर जो कि दो पृथक इकाई के रूप में कार्य करते थे उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से एक कर छत्तीसगढ़ राज्य का आकार दिया। बिंबाजी के उपरांत उनके उत्तराधिकारी राजकुमार व्यंको जी हुए। उन्होंने पूर्व की भांति प्रत्यक्ष शासन करने के अपेक्षा नागपुर में ही रहकर सूबेदारों के माध्यम से राज्य का संचालन करने लगे। छत्तीसगढ़ प्रभाग के सूबेदार क्रमानुसार इस प्रकार थे: महिपत राव दिनकर प्रथम 1787-1790, विठल राव दिनकर 1790-1796, भवानी कालू 1796-1796, केशव गोविंद 1797-1808, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया एवं अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर 1817-1818 थे। अंग्रेजों के सहयोग से शासक बनने वाले अप्पा साहब और अंग्रेजों के मध्य स्वार्थ हित विषयक पर मतभेद चरम स्थिति में आ गए और इसका वह परिणाम यह हुआ। अंग्रेजों ने अप्पा साहब के पतन एवं पलायन के उपरांत 26 जून 1818 को रघुजी द्वितीय के नाती अल्पवयस्क रघुजी तृतीय को नागपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और घोषित किया कि रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक नागपुर राज्य ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में रहेगा। इस प्रकार जून 1818 से जून 1830 तक नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला गया। नागपुर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट जैनकिंस ने सर्वप्रथम कैप्टन एडमंड 1818 को छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक नियुक्त किया। मिस्टर कैप्टन एडमंड के असामयिक निधन के पश्चात मिस्टर अगन्यू 1818-1825 को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया। अगन्यू के महत्वपूर्ण कार्यों में एक यह था कि सन 1818 ही में रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय व इस परिक्षेत्र की राजधानी बनाया गया। रघुजी तृतीय के वयस्क होने के उपरांत ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड ने रघुजी तृतीय द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेवार कृष्णाराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा। 1830 से 1854 के मध्य 8 जिलेदार हुए जिसमें अंतिम जिलेदार गोपाल राव थे। 11 दिसंबर 1853 को नागपुर के अंतिम राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध कानून के अंतर्गत 13 मार्च 1854 में नागपुर रियासत का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। विदित हो कि मी चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ भूभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे।